रिवाइंड समीना पीरजादा में मेरी आज की मेहमान है सारा खान। यंग है, ब्यूटीफुल है और एक इन्फेक्शस सा उनका लाफ्टर है। ज़्यादा जानती नहीं हूँ उनके बारे में, तो आज जानेंगे। आइए मिलते हैं सारा खान से। थैंक यू सो मच सारा फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। लाहौर में क्या कर रही हो सारा? लाहौर में एक तो मुझे आपके साथ शो करना था, बहुत एक्साइटेड थी, और दूसरी बात मैं एक और प्रोजेक्ट के लिए लाहौर आई थी 2 दिन के लिए। अच्छा, तो मैं सोचा कि मैं आपसे मिलती हूँ। सीक्रेट प्रोजेक्ट है? Or you can talk about it. लॉन की कैंपेन है एक, मैं भी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट वो एक लॉन की कैंपेन है और जो समर्स में लॉन्च होगा, तो लेट्स सी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट है। So, मजा आता है मॉडलिंग करने में? नहीं, नहीं आता? भी नहीं, मुझे मजा एक्टिंग करने में आता है और बस। मुझे मॉडलिंग में मुझे तो कमर्शियल में भी मज़ा नहीं आता, बिकॉज आप पूरा दिन एक एक्सप्रेशन देते हैं और एक्टिंग में आप पूरा दिन यू नो पूरा दिन आप कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं। तो वो इंटरेस्टिंग है। एक्टिंग में बहुत लंबा नहीं खिंच जाता हमारा काम, यू नो 26 एपिसोड्स के सीरियल होने शुरू हो गए। शौक इतना है ना कि वो मुझे पता नहीं चलता। मुझे लगता है कि मुझे वो 12 घंटे का काम 15 घंटे भी हो जाए तो मैं करा लेती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत मज़ा आता है सेट पे काम करके। मुझे अक्सर हमारे सेट्स पे होता है कि हम बैठ के इंतज़ार बहुत कर रहे होते हैं 2-2 घंटे, यू नो वो मेरे लिए बड़ा टायरिंग होता है। उसमें क्या करती हूँ मैं? मेरे बैग में कुरान होता है हमेशा। मेरे जो पापा हैं वो कुरान प्रिंट करते हैं 70 different languages में। हाँ, वो ऑफसेट प्रिंटर हैं। तो हमारे पास ना एक तो मैं मुझसे हर कोई कुरान का कहता रहता है कि अंग्रेज़ी में कुरान ला दो, उस ज़बान में ला दो। तो मेरे पास एक कुरान होता है जो मैं अपने फ्री टाइम में, मैं आजकल कुरान के बारे में ज़्यादा पढ़ रही हूँ, उसको डिटेल में पढ़ना चाह रही हूँ। तो मेरे पास एक बुक होती है जो कुरान की डिटेल है, तो मैं आजकल अपने फ्री टाइम में पढ़ रही होती हूँ। बिब्लियोग्राफी या है ना, ऐसे कुछ नाम है। जी जी है ना। हाँ, एक होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं तफसीर वाला कुरान। हाँ। तो वो कुरान की जो मतलब मीनिंग होती है उसकी भी तफसीर होती है, वो और ज़्यादा उसको डिटेल को वो करता है। तो मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, देखें। नो बट नॉलेज तो अमेजिंग है ना, देयर सो मेनी स्टोरीज इन कुरान, इट्स सो फैसिनेटिंग। जी हाँ, खास तौर पे सूरा यूसुफ मुझे बहुत फैसिनेट करती है, बिकॉज जब आप हाँ उसको उस तरह पढ़ना, इट्स सच एन अमेजिंगली explained or written story. सारी स्टोरीज ही जितने भी कुरान में अब तक मैं जितना पढ़ चुकी हूँ, मुझे हर हर स्टोरी ऐसी होती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अब आगे भी पढ़ूँ, आगे भी पढ़ूँ। इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतनी बातें होती हैं, और वो पढ़ने से मुझमें पेशेंस बड़ा आया है। मैंने अपने अंदर एक चेंज जो फील किया है वो ये है कि पेशेंस मुझमें ठहराव आ गया, बहुत ज़्यादा ठहराव। मुझे अब यू नो हर बात पे गुस्सा नहीं आएगा, हर बात पे आपको अपने पे कंट्रोल है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो बहुत मुझ में चेंज आया उसकी वजह से, और भी मैंने आधे का आधा भी नहीं पढ़ा। वो तो जब जैसे जैसे उम्र के साथ पढ़ते जाओगे, हाँ, वैसे वैसे उसके मीनिंग्स जो हैं वो नए निकलते आएंगे, नई तरह से समझ आएगा। बिल्कुल। तो जैसे जैसे छोटी सी तो जिंदगी है तुम्हारी। कहाँ पैदा हुई? मदीना। अच्छा, हम 4 बहन भाई हैं। हाँ। और हम चारों मदीना में पैदा हुए। कैसे? मेरी अम्मी जो थी वो लेबनान से हैं और मेरे अब्बू जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। अच्छा। तो वो दोनों मेरे सऊदी अरब में, तो उनकी शादी वहाँ, वो दोनों उमरा के लिए गए हुए थे। और बाबा जो थे वो सऊदीया में ही रहते थे, तो बाबा वहाँ काम करते थे, ऑफिसर प्रिंटर हैं, वो कुरान प्रिंट हाँ। करते थे उनकी। तो मामा बाबा मिले, उन दोनों ने बाबा को मामा पसंद आ गई, उन्होंने मामा को रिश्ता भेजा, फिर उनकी 1.5 साल बाद शादी हो गई। उसके बाद फिर मैं, मेरा 2 बहनें और मेरा 1 भाई है, तो हम चारों वहीं पैदा हुए। हम 10 साल मदीना में रहे, मैं 10 साल की थी जब हम पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा भाई है हमजा, फिर छोटी आयशा है उससे छोटी, दोनों में 1 साल का डिफरेंस है। हाँ। फिर मैं, फिर नूर। ओके, सो आयशा नहीं काम करती? आयशा मेरी अम्मी जो थी वो बहुत बीमार थी, अभी उनकी 4 महीने पहले डेथ हुई है अभी। आयशा जो थी वो उसने होटल मैनेजमेंट की है, तो वो पढ़ाई अपनी वहीं काम पढ़ाई सब छोड़ के मामा का ख्याल रख रही थी। मामा को कैंसर था, तो वो मामा के ख्याल रखने की उस वजह से अभी तक तो कुछ नहीं करी, अभी 4 महीने ही हुए हैं डेथ को। तो अब मैंने काम शुरू कर दिया है वापस डेथ के बाद नूर ने, तो आयशा भी देखे अब इंशाल्लाह उसको जो करना है वो करेगी।
और भाई क्या कर रहा है? भाई जो है वो मेरा भाई पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ साथ उसको शौक है। मैंने उसको कहा, उसको कहता है मुझे भी हीरो बनना है, हीरो आना है, और यू नो, तो मैंने कहा कि पहले, बिकॉज मैं अपनी पढ़ाई इतनी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो मैं अपने बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि पहले यू नो आप कुछ कर लो, उसके बाद फिर। मुझे लगता है कि एक्टिंग पे आप सब डिपेंड नहीं कर सकते, जबकि दुनिया का इतने पैसे तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं लेता होगा, यू नो। बट मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकती होती तो वो ये थी कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाती, और मेरी अम्मी की भी सबसे ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो पढ़ाई। बट पढ़ाई तो कभी भी कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हूँ, मैं ज़रूर करूँगी। मुझे एक्टिंग भी पढ़नी है। मैं अभी अब मैं अपने प्रोफेशन जो मैं काम करती हूँ उसके हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। तो घर कैसा था? यू नो योर मदर लेबनीज है, अब्बू पाकिस्तानी, तो घर में कैसा माहौल था, और उर्दू इतनी अच्छी कैसे सीखी सबने? अच्छा, मेरे अम्मी अब्बू जो थे अरबी में बात करते थे, और लेकिन हम पाकिस्तान जब यहाँ शिफ्ट हो गए तो पाकिस्तानी स्कूल्स में जाना शुरू कर दिया, तो अरबी से ज़्यादा अच्छी उर्दू, मतलब अरबी नहीं सीख पाए, उर्दू। मेरे अब्बू जो है पठान हैं, तो पश्तो भी हमारे अब्बू जो हैं वो बोलते हैं। तो आप कितनी ज़बानें बोलते हैं? मैं तो ना, मुझे पश्तो आती है ना अरबी आती है। मुझे रिग्रेट रहेगा कि मामा मुझे अरबी ही सिखा देती थोड़ी सी। लेकिन तो अम्मा से किस चीज़, किस ज़बान में बात करते थे? अंग्रेज़ी में? अंग्रेज़ी और उर्दू। वो भी उर्दू जानती थी? या बिकॉज वो भी, उनके भी समहाउ उनका भी एक पाकिस्तानियों से बड़ा वो था। उनकी अम्मी लेबनान में पैदा हुई, लेकिन उनके पेरेंट्स जो थे वो पाकिस्तानी थे। अच्छा। तो हाँ, तो इस तरह उनको उर्दू आती थी, उर्दू में बात करते थे हम। और मामा ने हमेशा हमारे घर में भाई से ज़्यादा हमें, वो होता है ना कि घरों में भाइयों की इम्पोर्टेंस होती है, हमारे घर में बहनों की इम्पोर्टेंस है, जबकि वी आर थ्री। लेकिन उन्होंने हमेशा से सिखाया है कि लड़कियों को ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कल को वो शादी करके जाएँ तो वो इतनी स्ट्रांग हो कि यू नो कोई उन्हें कुछ कर ना पाए, वो अपने अपने आप से वो पूरे ख़ानदान को पाल सकें, वो इतनी स्ट्रांग हो लड़की इमोशनली भी और वैसे भी। तो उनका हमेशा से जोर बचपन से हम पे यही था कि हम, मेरी बेटियाँ बड़ी उस तरह से स्ट्रांग हों। तो किस किस्म की बातें करते थे आप लोग जब इकट्ठे बैठते थे खाने की मेज़ पे? अच्छा, मेरा जो घर था ना, हम लोग बहुत फन लविंग वाली, हमारी वो वाली फैमिली थी। हमने कभी आज तक ज़िंदगी में कभी माँ बाबा ने डांटा नहीं, ना ऊंची आवाज़ में बात की हमारे सामने। तो जब कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है ना, तो हम अक्सर अपनी टेबल पर डिस्कस करते थे कि मामा वो बात कैसे कर रहा था। तो इमेजिन कि इतने सालों में आज तक मेरे माँ बाप ने कभी ऊंची आवाज़, तो यू नो गुस्से वाले मामा के लुक्स ही काफ़ी, तो कभी डांट नहीं पड़ी आज तक, कभी नहीं। तो फिर मार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मार तो हो ही नहीं सकती, डांट भी नहीं पड़ी। मामा के एक लुक होती थी गुस्से वाली, बस बस वो, जब वो उसी लोग से डर लगता था और कि इग्नोर करती होगी वो, जब आप लोग शरारत करते हो। एक तरीका है शरारत को समझाने का। बाबा जो है ना, वो कभी कुछ बोलेंगे नहीं कि तुमने ये क्या कर दिया, उनका उनकी शक्ल पे आ जाएगा कि वो गुस्से में, मगर वो डांटेंगे नहीं। तो उसका मतलब ये होता है कि कर दिया, आइंदा मत करना, आइंदा करोगे तो फिर रिएक्शन आएगा। और मामा जो थी वो लुक कराती थी गुस्से वाली, जैसे अगर हम शरारत कर रहे हैं, मेरा, हम चारों, मेरे बहन भाई और मैं, हम लोग सब एक ही, यू नो, हम में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, तो हमारे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, हम चारों साथ हैंग आउट करते हैं, हम चारों जो करता है साथ करते हैं। तो कभी शरारत में कुछ कर दिया तो मामा की वो एक लुक होती थी कि बस दैट्स इट, और कुछ बोलती नहीं थी वो। और उस लुक से हम डरते थे कि ये 9 बजे टीवी बंद हो जाता था घर पे, 9 बजे के बाद टीवी नहीं चलेगा। तो जब माँ बाबा सो जाते थे ना, तो मैं, मेरा भाई, मेरी बहनें, हम टीवी लाउंज से टीवी उठा के बंद करके, कमरे, हमारे रूम में टीवी नहीं था, रूम में ला के रखते थे और पूरी रात म्यूट पे टीवी देखते थे कि माँ बाबा उठ जाएंगे। हाँ, हाँ। और पता नहीं क्यों देखते थे म्यूट करके, लेकिन हमें टीवी देखना होता था। तो ऐसा हमारा बचपन था। हाँ। म्यूट पे। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, कोई फिर शरारत कैसे करते थे आप लोग म्यूट पे?
शरारतें, हाँ जैसे साइकिल चलाना, दरख्तों पे चढ़ना, जो की हैं बहुत शरारतें के जिनकी वजह से रात को स्नीक आउट करना, इस पे तो हमारे अम्मी अबू बड़े ट्रबल में पड़ गए थे। एक हमारी आदत थी कि हम हमारे कजिन्स थे जिनसे हमारी बड़ी अच्छा बचपन से साथ पढ़ते थे, तो वो रहते थे अपार्टमेंट्स में, तो हर शाम में हमें घूमने जाना था तो उनके साथ अपार्टमेंट में मिल के, और नीचे एक घर था जिसकी बैल बजा के हम भागते थे, जहाँ बड़े लोग अंकल आंटी रहते थे थोड़े एजेड, तो हम रोज़ बजा रहे हैं। इस बात को हो गए 3 साल, 3 साल बाद आप इमेजिन नहीं कर सकती, वो एक रॉड लेकर आ गए अंकल हमारे घर पे, और हमारे घर में थी दावत वो रॉड लेके आ गए कि मैं मार दूंगा तुम लोग को, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो एक्चुअली दरवाजा तोड़ने लग गए, मारने लग गए, एंड वी वर लाइक के बैल बजाई थी सिर्फ 3 साल ही तो हुए सिर्फ 3 साल ही तो गुजरे हैं, और तो इस तरह की शरारतें हमने सोया बहुत बहुत मजे का बचपन गुजरा, बहुत अच्छा। तो ननी सारा कैसी थी? शरारती तो नजर आ रही है, बहुत थी शरारती, बट शाय भी बहुत थी, कॉन्फिडेंट तो मैं थी बचपन से, स्कूल में हर जगह सबसे आगे रहना और अपने स्कूल के हर शो में परफॉर्म करना, और लेकिन शाय बहुत थी, कोई मुझसे ज़्यादा बात करेगा ना तो मैं ये जानती थी कि क्या जवाब क्या दूँ। अभी भी मेरे साथ ही होता है कि जब लोग ज़्यादा बात करते हैं ना, जबकि आई एम वेरी टॉकटिव, अगर मुझसे कोई अच्छी बातें करे तो मैं दिल चाहता है कि मैं बातें करती जाऊँ, लेकिन जब कोई रैंडमली बातें हो रही है ना तो मैं ऐसी होती हूँ, सेट पे मैं होती हूँ, मेरी वो बुक होती है, और अक्सर लोग समझते हैं कि मैं बहुत रूड हूँ, एरोगेंट हूँ, मुझे में बड़ा एटीट्यूड है जो मैं बात नहीं करती, बट एक्चुअली मुझे ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता कि हर किसी से, बिकॉज आप जब बातें करते हैं ना फिर आप हर तरह की बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं इतना मैं किसी को वो नहीं देती कि कोई मुझे इतने करीब से जान जाए, या एक वर्क हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है बस वही। सो व्हेन डिड यू नो कि एक्टर बनोगे? अच्छा, फर्स्ट प्रोजेक्ट जब मैंने अपना किया ना, मैं वॉइस ओवर्स करती थी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी, फर्स्ट प्रोजेक्ट जब मैंने अपना साइन किया उसके बाद मैंने कहा मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, ये तो मेरे बस का काम ही नहीं है। उसके 2 साल तक मैंने काम नहीं किया, बढ़िया आपा मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था एक चैनल के लिए, उसके बाद 2 साल मैंने काम नहीं किया, 2 साल बाद मैंने कहा कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, मतलब मैं तो यही चाहती थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये चाहती हूँ, बिकॉज स्कूल से लेके अपने कॉलेज लाइफ से लेके अब तक मैं, मुझे इसी चीज़ों में मेरा यू नो इंटरेस्ट है, मैं यही करना चाहती हूँ, स्कूल में भी मैं यही करती थी, तो अभी जब मैंने 2 साल काम नहीं किया तो मैंने बड़ा मिस किया कि एक प्रोजेक्ट करने की वजह से मुझे तो वो पता चल, मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल गया कि मुझे ये करना है जिससे मुझे एक्चुअली खुशी मिलती है। सो पहले कौन गया था, नूर या यू? मैं पहले, ओके जी, नूर मुझसे 1 साल छोटी है, हाँ। और उसको बचपन से शौक है, उसको पता है कि उसे एक्टर बनना है, लेकिन मुझे, मैं कहती थी मुझे एक्टर नहीं बनना, मैंने कुछ और बनना है, डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग करके डिज़ाइनर बनूंगी, और लेकिन इंटरेस्ट आर्ट की तरफ ही था बचपन से। नूर बड़ी अच्छी स्केचिंग करती है, नूर और आयशा, वो आपका 10 मिनट में आपका स्केच बना देंगी, तो हमारे घर में हम तीनों ही आर्ट की तरफ बहुत हैं, तो हमें फिर ऐसे ही कुछ आर्ट की तरफ ही आना था फाइनली। तो क्या चीज़ें क्या जमा करती है, चीज़ें जैसे क्या, मतलब व्हाट डू यू बाय, व्हाट डू यू कलेक्ट, डू यू हैव अ सीक्रेट प्लेस इन द हाउस जहाँ तुम्हारी चीज़ें छुपाती हो? सुमिना जी, मुझे जो है, मुझे तैयार होने का बड़ा शौक है, तो मैं जब बाजार जाती हूँ ना शॉपिंग करने के लिए अच्छा, हम तीनों बहनें और हम तीनों एक ही साइज़ के कपड़े पहन रहे हैं, एक ही हमारा शू साइज़ है, तो होता है कि हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं, लेकिन जब मैं अपने लिए कुछ ख़रीद के लाती हूँ ना, तो मैं अपनी अलमारी में उसे लॉक कर देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले मैं पहनूँ फिर तुम लोग पहन लेना और वो कहते हैं कि तुम हमारी चीज़ें पहले पहन लो और हम क्यों नहीं पहने, तो मैं कहती हूँ कि बस मुझे पहले पहनना है मुझे जूतों का बहुत शौक है, मेरा दिल चाहता है कि मैं हील्स खरीदूँ, और हर वक्त मैं कहीं बाहर भी जा रही हूँ तो मैं जूते खरीद के बहुत सारे लाती हूँ, और मेकअप, घड़ियाँ, ये Do you buy books? हाँ, लेकिन ज़्यादा मैं books की तरफ। अच्छा,
बुक शॉप पे तो जाती हो ना? या मैं मुझे मुझे जो पढ़ना है ना, मैं जैसे अगर मुझे आज मुझे किसी ने कहा था कि तुम शायरी पढ़ो, ये पढ़ो, तो मैंने सोचा अभी मैं ख़रीदूँगी, बिकॉज मेरी उर्दू इतनी बोलने में क्लियर नहीं है. जैसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो मेरे मुँह से क्लियर नहीं निकलते, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो कहते हैं कि आपको अपने अल्फाजों पे इस चीज़ पे काम करना चाहिए. तो मैंने सोचा कि मैं कोई शायरी वाली जो किताबें होती हैं ना, जो डीप वाली वो होती हैं, मैं वो ख़रीदूँ पढ़ूँ. तो अब मैं वो ख़रीदूँगी. तो सर से गुजर जाएंगे? नहीं, समझ तो आती है. अच्छा, समझ आती है. मतलब ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं आएगी. हाँ, कुछ आसान ख़रीदूँगी, कुछ जैसे फैज़ अहमद फैज़. वो आपको सब आप समझते हैं वो आसान है? मुझे किसी ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल आसान नहीं है. नो, नहीं, कुछ नज़में हैं जिन्हें जो आसान है, बट आई थिंक शायर तो पढ़ के ही. हाँ, अब देखें. चलो ठीक है, तुम्हें पढ़ोगी तो मैं पूछूंगी तुमसे कि आप क्या पढ़ें. मुझे कहते हैं कि अखबार पढ़ें. अखबार आसान है. बोरिंग क्या, अखबार आसान है. आसान है बट वो इतना बोरिंग है, क्या पढ़ें. खबरें तो बोरिंग नहीं है, खबरें तो बड़ी चटपटी होती हैं. खबरें जब घर में लगी हुई होती हैं तो हम चारों बहन भाई अपने अपने कमरों में होते हैं, क्योंकि हमें पहले ही इतना कुछ है तो खुश रहना चाहिए. अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे माहौल में रहें, खुश रहें, तो हम बस खुश रहते हैं. कैसी फिल्में देखती हो? एक बात बताऊँ मैं आपको, मुझे मेरे घर वाले कहते हैं एलियन, क्योंकि मैं फिल्में नहीं देखती. अगर मैं सिनेमा जाऊँगी कोई फिल्म देखने के लिए तो मैं 15 मिनट बाद बाहर आ जाऊँगी. मैं कहती हूँ कि एक डेढ़ घंटा बैठ के कैसे देख ले तो घर पे. लेकिन मुझे हॉरर देखने का बहुत शौक है, तो मैं और मेरी बहन आयशा हम दोनों रात को बैठ के हॉरर एक हॉरर जरूर देखते हैं. डर लगता है और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है अपने घर में, लेकिन वो उसमें मुझे मज़ा भी बहुत आता है. अभी मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया है जो हॉरर फील की तरफ है. नहीं, उसका नाम है बेलापुर की डायन. वो हम टेलीविजन पर उसमें मैं डायन मैं पोजेस्ड हूँ, डायन मुझ पर चढ़ती है. तो वो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया. मैंने वो जो जो देखा था वो सब मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया. बहुत इंटरेस्टिंग था वो. मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स और बने हूँ मैं, और मुझे लें ताकि मैं और डाइन बनूँ. बहुत मज़ा आया था. उन्होंने मुझे क्रेन से लटका भी दिया था, कुएं में भी डाला था. उन्होंने इस तरह के सीन्स किए थे. डाइन वो दीवार से चिपकी हुई होती है उल्टा हर वक्त, तो वो वाले सीन्स किए. और वो जो जिस तरह से जो हमारे हम दिखा जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से भूत बात करते हैं उस तरह से बात की, तो बहुत मज़ा आया. So, क्या आवाज को बदला? कैसी आवाज बनाई? उसमें जब जिस पे जब डाइन चढ़ती है ना तो चीखती है. अच्छा. तो ये जिस आवाज में चीखती है ना वो वाली आवाज. नॉर्मल अगर बात करें तो वो आपसे ऐसी बात करेगी जैसे. अच्छा, लेकिन जब वो पोजेस्ड होती है तो कैसी आवाज? आवाज तो नॉर्मल होती है, लेकिन वो उसपे उस पोजेस्ड जब होती है तो दिखाते हैं कि जिस तरह वो चीखती है ना, तो इसका मतलब है कि वो डाइन आ गई है अंदर. हाँ हाँ, और एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, आंखें आईबॉल बड़े हो जाते हैं. हमने कुछ वो ये बहनों के साथ किया है कभी, उनको डराया इस तरह? मैं जब शूट चल रहा था मेरा 10-15 दिन, जब मैंने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया डाइन बनना, तो घर पे किया प्रैक्टिस? घर जाके? हाँ. नहीं, घर पे नहीं किया. घर वाले तो सीरियस होने नहीं देते ना बहन भाई, उनको अपनी घर जाती तो अपनी मजाक में मस्ती में लगे रहते हैं. सेट पे ही होता है जो होता है. तो मैंने जब प्रैक्टिस सेट पे अच्छी तरह हो गया ना कि अब मैं प्रैक्टिस में आ गई हूँ डायन बनने के, घर जाके मैंने वो चीखने वाली आवाज़ मैंने की, और मेरे बहन भाई वो थे कि तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम पागल तो नहीं हो गई हो कि वाह, अगर तुम लोग को डर लग रहा है तो फिर तो मतलब कि कुछ अच्छा ही है ये. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बहन भाई डरते हैं. अच्छा, डरा अब तक वो लिटमस टेस्ट था ना कि अच्छा अगर ये डर गए. हाँ, तो ये डर गए, बिकॉज़ वो कभी मुझे लेके कभी सीरियस नहीं होते हमेशा. तो नन्ही सारा क्या ख्वाब देखती थी? मैं ना यू सेड कि यू वर शाय, तो क्या शाय? तो और मैं बचपन से मैं बड़ी मैच्योर थी. मैं मतलब बहुत छोटी थी, मैं तब से बड़ी मैच्योर हूँ. मुझे बचपन से मैं सोचती थी कि मुझे कुछ बनना है,
मुझे कुछ बनना है और मुझे मेरी अम्मी जो थी वो एमिरेट्स में होती थी, और तो मैं सोचती थी मैं अपनी अम्मी की तरह कुछ बनूंगी कि मैं अपना खुद घर खरीदूंगी, मैं गाड़ी खरीद के मैं बाबा को गिफ्ट करूंगी, अपनी छोटी बहन, मैं नूह को बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं नूह को कहती हूँ कि मैं उसकी अम्मी मैं हूँ नूह की माँ मैं हूँ, जबकि आप मिडिल में हो। मैं मिडिल में, नूह मुझसे छोटी है, लेकिन नूर से मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो मैं उसको कहती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ जबकि दिखने में दोनों इतना अम्मी वो नहीं, लोग कहते हैं कि सीरियसली लेकिन तो कोई सिबलिंग राइवलरी है तुम लोगों के दरमियान? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। Do you ever get jealous? सोच भी नहीं सकते। अगर कोई मुझे, अक्सर मुझसे ये लोग सवाल करते हैं कि आपकी बहन भी काम कर रही है, आप भी काम कर रही हैं, अगर हम आपकी जगह आपकी बहन को कास्ट कर लें तो आपका क्या रिएक्शन है? मैं कहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा तो कोई खुश होगा ही नहीं अगर आप मेरी बहन को वो कोई कुछ बड़ा काम है जो आप मेरी जगह मेरी बहन को करवा रहे हैं, तो मेरे लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज मैं अगर जैसे मैं हूँ, मेरे लिए वो दोनों वैसे हैं, जो मैं अपने लिए सोच रही हूँ वो मैं उनके लिए सोच रही हूँ। तो इस सारे इस ट्रियो में भाई की क्या जगह है? भाई भी मतलब वन ऑफ द गैंग है। हाँ, भाई भी वन ऑफ द गैंग है। भाई को कभी भाई नहीं समझा, और भाई भाई वाला भाई है कि ये मत करो, उधर नहीं जाओ, मतलब वो फादर का वो नहीं है, सेकंड इन कमांड? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा भाई को हम कहते हैं कि भाई यार आप कैसे भाई हो, हमें यू नो थोड़ा आप उभार लेके जाओ, थोड़ा हमें भी घुमाओ और यू नो हम भी चेकआउट करेंगे तो भाई कहते हैं कि तुम लोग कैसी बहने हो। भाई हमें कहते हैं जंगल सिस्टर्स क्योंकि वो हमारे भाई जो होते हैं हमारे, उसके वो एक्सपेक्ट करे होते हैं कि बहने भाई का बिस्तर बनाएंगी, भाई को खाना, भाई आगे खाना पराठा बनाओ, यू नो। तो भाई आता हम कहते हैं भाई प्लीज थोड़ा कुछ यू नो कुछ हमारे लिए कुछ काम कर दो, बर्तन लगा दो तो भाई का ये वाला है वो बिल्कुल हमारे यहाँ, हमने और भाई में कोई फर्क नहीं है, हम सब एक जैसे। कभी माँ बाबा ने फर्क होने नहीं, हाँ नहीं उन्होंने होने दिया ना, उन्होंने कभी नहीं किया कि ये भाई बेटा और बेटी, उन्होंने कहा कि बेटियों को तुम लोग ज्यादा स्ट्रांग बनोगी, उन्होंने कभी भाई पर वो नहीं किया कि तुम बेटे हो, बहनों की जिम्मेदारी है टाइप बातें जो हम यू नो जिस पर हम काम भी कर रहे होते हैं ड्रामों में भी यही इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मेरे मामा बाबा ने हमेशा कहा कि तुम लोग को क्यों भाई पे क्यों डिपेंड करना है, यू नो खुद क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है, जो भाई के पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। तो क्या करने का प्लान है आगे? मुझे एक तो एक्टिंग मैं कंटिन्यू करूंगी बिकॉज ये मैं मेरा यू नो ठीक पहला प्यार और एक पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है मेरी। हाँ। लिस्ट में पढ़ाई भी है और मुझे प्रोड्यूसर बनना है। हाँ मुझे डायरेक्टर कभी नहीं बनना बिकॉज मुझे लगता है दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब एक डायरेक्टर की है। मुझे प्रोड्यूसर बनना है, मुझे अपने प्रोजेक्ट्स खुद बनाने हैं, है ना, मुझे नए लोगों के साथ काम करना है। मैं खुद नहीं काम कर रही लेकिन मुझे नए लोगों को लेना है, मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ, बड़े काम करूँ, अच्छे लेवल पे काम करूँ, इंटरनेशनल लेवल पे हम भी काम करें, यू नो अभी माशाल्लाह हम कितना अमेजिंग काम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ आगे कुछ सालों बाद में भी फिल्म कर रही हूँ। फिल्म मैं करना नहीं चाहती क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं है, मुझे ड्रामों में ही मेरा शौक है, यही मेरा जॉनरा है, और मैं आगे फिल्मों का मैंने भी सोचा नहीं। लेकिन अगर कुछ मुझे लगा कि अब ये तो यू नो मस्ट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है करना, तो फिर वो ज़रूर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मुझे करनी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। अच्छा, हाँ व्हाई क्यों फिल्म? तो सब लोग फिल्म करना चाह रहे हैं। I'm not ready yet. और प्लस कुछ रिक्वायरमेंट्स उनकी कुछ यू नो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं शायद कभी पूरी नहीं कर सकती। कि मैं मुझसे मेरा एक ऑडिशन हुआ एक फिल्म के लिए और मुझे कहा गया कि हाउ शॉर्ट कैन यू गो कपड़ों में, फुल स्लीव्स बैकलेस नहीं होना चाहिए, डीप नेक नहीं होना चाहिए, मैं कोई नी लेंथ तक कुछ नहीं कर सकती। सो मेरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ज़िंदगी के कुछ रूल्स हैं, मैं जिस तरीके से रहती हूँ मैं उनको नहीं वो करना चाहती। तो अगर कुछ ऐसा आएगा जो मेरे लिए भी ठीक हो और उनके लिए भी ठीक हो तो मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह।